हेलो फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए टिप्स लेकर आई हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये है हमारा गैस सिलेंडर। इस समय इतना जाड़ा पड़ रहा है कि हमारी गैस कब ख़त्म हो जाती है और हमें पता नहीं चलता, जबकि गैस ख़त्म नहीं होती, गैस हमारी जम जाती है ठंड की वजह से। और हमें लगता है कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया है और हम गैस को बदल देते हैं उसके चूल्हे को। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आपका जो सिलेंडर है जल्दी ख़त्म नहीं होगा और आपकी जो गैस है वो जमेगी भी नहीं। कुछ नहीं करना है, हमें लेना है एक पुराना स्वेटर। आप चाहें शॉल भी ले सकती हैं या कोई गर्म चादर भी ले सकती हैं। तो हम इस तरह से अपने सिलेंडर को, स्वेटर को पहना देंगे। देखिए, मैंने स्वेटर पहना दिया है और पहनाने के बाद इसके मैंने बटन लगा दिए। आपको भी देख के लग रहा होगा कि कोई स्वेटर को भी सिलेंडर को पहनाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा सा तरीका है, आप अपनी गैस इससे बचा सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से सिलेंडर को स्वेटर पहना दिया है और पहनाने के बाद इसकी जो गर्मी है वो सिलेंडर पर लगेगी और इस तरह से आपकी गैस की बचत होगी। आपकी गैस जमेगी नहीं और आपकी गैस भी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि जब गैस जमती है और ख़त्म हो जाता है सिलेंडर में पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये हमारे कुछ रैपर्स हैं जिनको हम अक्सर फेंक देते हैं, नमकीन के, बिस्किट के और कॉर्नफ्लेक्स के, कोई भी रैपर होता है अक्सर हम लोग फेंक ही देते हैं जब सामान ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको बहुत अच्छा सा तरीका बताऊंगी कि आप अपने सामान के जो बॉक्स होते हैं उनको एयर टाइट कैसे कर सकते हैं। उनको एयर टाइट आप इन रैपर से कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा बिस्किट का रैपर लिया है और इस रैपर को मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद हम अपना लेंगे कुछ बॉक्स जिनमें हम अपने मसाले रखते हैं, अपने किचन का बहुत सारा सामान उन बॉक्स में रखते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इस रैपर को कट कर लिया है और गोलाई की शेप में कटिंग की है इसकी। और इसके बाद मैंने ये छोटा बॉक्स लिया, इसमें मैंने रखी है पिसी हुई सौंफ। पिसी हुई सौंफ अक्सर ख़राब हो जाती है अगर हम ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हम इस रैपर से इसको ढक देंगे और ढकने के बाद इसका जो ढक्कन है हम इसमें लगा देंगे। इस तरह से आपका बॉक्स जो है एकदम एयर टाइट हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा दिन तक सौंफ को रख सकती हैं। कभी कभी सौंफ हमारे काम में नहीं आती, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हम अपने इस्तेमाल में नहीं लेते हैं, तो वो इस तरह से आप उनको रख सकती हैं। तो आपके मसाले हैं या कोई भी सामान किचन का है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, आपका बॉक्स एकदम एयर टाइट हो जाएगा। तो देखिए, मैं इस बॉक्स को भी रखूँगी। इसमें मैंने रखा हुआ है दलिया। हम दलिया कभी कभी इस्तेमाल करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं, हमें ज़्यादा दिन तक रखना। तो इस तरह से हम एक रैपर को लेंगे और उसको गोल कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद हम इसको देखिए इस तरह से उसको रख कर ढक्कन को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो दलिया है एकदम एयर टाइट हो जाएगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। आपको जब भी इस्तेमाल करना हो आप इस्तेमाल करिए और उसको इसी तरह से आप ढककर बंद कर दीजिए, तो आपका सामान ज़्यादा दिनों तक चलेगा। तो देखिए, मैंने इस टिप्पे को भी इस तरह से रैपर से ढककर बंद कर दिया। तो इस तरह से ये भी बॉक्स जो है एकदम एयर टाइट हो गया। तो इसी तरह से आप अपने किचन में जो भी सामान आप ज़्यादा दिनों तक रखना चाहती हैं उसको आप इसी तरह से अपने रैपर्स को लगा कर एयर टाइट कर सकती हैं। ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इससे आपका घर का जो मसाले होते हैं या जो भी हमारे किचन का सामान होता है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, ये तिल है, ये जो तिल है वो कम ही इस्तेमाल होते हैं, तो इनको भी मैंने इस तरह से एयर टाइट करके रख दिया है। और इसके बाद मैं ये जो मेरा बड़ा वाला रैपर है इसको भी मैं कटिंग करूँगी। और कटिंग करने के बाद इसकी मैं कुछ छोटी कटिंग करूँगी। और देखिए, इस तरह से मेरे कितने सारे ये रैपर्स तैयार हो गए। तो देखिए, मेरा ये सिवाइयों का बॉक्स है, सिवाइयाँ भी हम कभी कभी ना भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से हम इसको बंद करके रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। और ये है अचार, ये थोड़ा सा ही बचा लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हमें करना है, तो हम इस तरह से इसको एयर टाइट करके रख देंगे। और देखिए, पन्नी इतनी टाइट होकर इसमें लगी है जो इसकी प्लास्टिक है रैपर्स की, कि बिल्कुल बाहर नहीं निकली है ढक्कन से, बहुत टाइट है। तो इस तरह से आप अपने बॉक्स को एयर टाइट अपने रैपर से कर सकती हैं। बहुत अच्छी सी टिप्स है, आपका सामान जल्दी ख़राब नहीं होगा और उसमें नमी भी नहीं आएगी। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारा पर्स। ये टंगा टंगा इसमें है ना, इतनी फफूंद जैसी आ गई है और ये देखने में भी एकदम पुराना सा लगने लगा, जबकि नया पर्स है, ये टंगा रह गया। तो मैं इसको बताऊंगी कि आप कैसे नया कर सकती हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमें बस थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और वैसलीन को हम उंगली की सहायता से पर्स पर इस तरह से लगा देंगे
और लगाने के बाद बहुत थोड़ी सी वैसलीन का हमें इस्तेमाल करना होगा, बहुत ज़्यादा वैसलीन नहीं, बस उंगली से ज़रा सी लेनी है और हमें इस तरह से डॉट डॉट करके पूरे पर्स पर इस तरह से लगा देनी है। और लगाने के बाद हम कोई भी कागज़ से या जैसे हमारा न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का हम एक टुकड़ा लेंगे और उससे इस पर्स को हम रगड़ेंगे तो हमारा जो पर्स है एकदम चमक जाएगा, इसमें पहले जैसी चमक आ जाएगी। तो देखिए मैंने ये न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा लिया है और लेने के बाद पर्स पर मैंने इस तरह से इसको रगड़ा है तो वैसलीन की रगड़ से जो पर्स है, जो पर्स की चमक खो गई है, जो पर्स पुराना हो गया है, उस पर जो फफूंदी जैसा सफ़ेद सफ़ेद जमा हो गया है वो एकदम साफ़ हो जाएगा और जो हमारा पर्स है पहले जैसे एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा और ऐसा लगने लगेगा कि आपने जैसे बिल्कुल नया पर्स अभी अभी ख़रीदा है। तो देखिए मैं अखबार की सहायता से इस पर्स को रगड़ दूँगी और देखिए मैंने चारों तरफ इस पर्स को रगड़ा है और रगड़ने के बाद देखिए पर्स कितना चमकने लग गया है। तो ये नीचे की जो साइड है ना ये भी मैं अखबार की सहायता से इसको अच्छे से रगड़ दूंगी तो देखिए इसमें जो चमक थी वो चमक फिर से आने लगी है और इस तरह से जो आपका पर्स है वो एकदम नया जैसा लगने लगेगा, आपको दोबारा पर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतनी अच्छी सी टिप्स है, आप अपने सारे पुराने पर्स को फिर से नया और चमकदार बना सकती हैं वो भी एक छोटी सी वैसलीन की सहायता से। तो देखिए इसके बाद हम थोड़ा सा कपड़े से, किसी भी सॉफ्ट कपड़े से हल्के से इसको पोंछ देंगे जो वैसलीन की चिकनाई है वो दूर हो जाए। तो देखिए आपका जो पुराना पर्स था, जो आपका फफूंद लगा हुआ पर्स था वो एकदम चमक गया है और बिल्कुल नए जैसा लगने लगा है। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है, इस तरह से आप अपने पुराने सामान को या पुराने पर्स को या आपका जो पर्स है नया लेकिन वो टंगा टंगा ख़राब हो गया उसको फिर से दोबारा चमक वापस ला सकती है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे, आपको बार बार पर्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारे ओढ़ने वाले या बिछाने वाले छोटी छोटी वुलन चादरें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये इधर पड़ी रहती है और फिर इतनी जगह भी नहीं होती है कि हम इनको कहाँ रखें। जाड़ों में वैसे इतने सारे कपड़े निकले होते हैं तो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप इन चादर का या आपके जो कम्बल होते हैं पतले वाले उनका किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, आप उनको कैसे तय बनाकर रख सकती हैं। तो सबसे पहले हम चादर की तह को बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको मोड़ कर इसकी इस तरह से तह बनाई है, इसके बाद हम इसको फिर से तय बना देंगे तो कुछ इस तरह से लंबाई की शेप में ये हमारी तय बन गई है चादर की। इसके बाद हम इसको ऐसे मोड़ेंगे कि मोड़ने के बाद इसका जो एक सिरा है हम दूसरे सिरे में इस तरह से फिट कर देंगे कि आपकी चादर बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और ये एकदम फिट हो जाएगी, आप इसको कहीं भी रख सकती हैं ये खुलेगी नहीं और बहुत कम जगह में आप अपनी सारी चादर को, आपकी जितनी भी सारी ऊनी चादर है जिनका आप इस्तेमाल करते हैं उनको आप इस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी तह बनाई है, इसको आप अपने घर में तकिए के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग इतनी चादर होती है कि लगता है ला उसको तकिया ही बना दे, तो देखिए ये बड़ा अच्छा सा आपका चाहे कुशन बना सकती है चाहे इसका आप तकिए के रूप में इस्तेमाल कर सकती है और ये बहुत कम जगह में इस तरह से आपकी ऊनी चादरें आ जाएंगी, इस तरह से आपको तय बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी तय बनाई है और ये बहुत अच्छा सा तरीका है अपनी सारी ऊनी चादरों को तय करके रखने का, ये बहुत कम जगह घेरेगी और साथ ही आपका कुशन और तकिए का भी काम करेगी। तो ये इतनी अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा और आपको मेरी सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।